हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अकमल आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और आज हम बात करें एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले बता चुका कि जो दूसरे वर्ड्स की मीनिंग में ऐड करते हैं, मानी को एक्सटेंड करते हैं, वाजे करते हैं, और आमतौर पर ये नाउन और प्रोनाउंस को सपोर्ट करते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन, चाहे वो सब्जेक्टिव हालत में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हालत में हो, उनके माजी मानी में मजीद वजाहत करते हैं, उनको ऐड अप करते हैं। बल्कि आप इसके नाम से अगर देखें तो ऐड कर लें या एडजेक्ट करते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर मानी में वजाहत करते हैं, बेहतरी लाते हैं, मजीद निखार के सामने ले आते हैं, उसकी डिटेल बताते हैं। एडजेक्टिव्स की आप कह लें, क्या कह लें कि आपकी जो फाइव सेंसेस हैं उनको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। मतलब फाइव सेंसेस जो फील कर सकती हैं किसी चीज़ के लिए, वो खूबियाँ या खामियाँ, साइज़, उसका कलर, टेम्परेचर, उन चीज़ों को हम सबको एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब अगर फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ एक सेब आपके सामने है, एप्पल, सॉरी, और डोंट माइंड इफ आई डोंट मेक अ गुड ड्राइंग, लेट्स से एक सेब आपके सामने है, तो अगर मैं इसका साइज, इसका कलर, इसका टेस्ट, इसकी फ्रेशनेस, इसके बारे में बात करूं, तो ये सारी जो खूबियां हैं एप्पल के मुतालिक जुड़ी, वो सारी कहलाएंगी एडजेक्टिव्स कहलाएंगी। यानी कि ऐड करता है मानी में, एडजेक्ट करता है, और मानी को मजीद वाज़ह तौर पर हमें बताता है। एडजेक्टिव्स जो हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की खूबियां या खामियां या उसकी खसूसियात को बताता है। तो और दूसरा मैं आप यहां बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव जो है वो मल्टीपल वर्ड, आमतौर पर पहले हमने ये समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ कैटेगरीज का नाम है, कुछ चीज़ों का नाम है, कुछ वर्ड्स का नाम है। यानी कि हम मतलब कहेंगे कि बिग है तो बिग को हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है, गो है तो हम इसे कहेंगे वर्ब है, और सिटी है तो हम इसे कहेंगे नाउन है। आमतौर पर ये हमने पढ़ा, ये राइज था, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह से इसे समझना ठीक नहीं होगा, ये कंफ्यूज करता है। एडजेक्टिव जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुका, इज लेस द नेम ऑफ अ वर्ब, नेम ऑफ अ वर्ड, मोर अ नेम ऑफ अ फंक्शन। कि एडजेक्टिव किसी भी वर्ड के फंक्शन को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अब मैंने कुछ यहाँ मिसालें लिखी हैं जो कि बेसिकली कुछ और चीज़ें हैं, वर्ब हैं, नाउन हैं, कुछ उनका नाम कुछ और है, लेकिन उसका फंक्शन जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस में उनका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव आ सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे पास सामने ये रनिंग है, रनिंग बिजनेस में से ये जो रनिंग लफ्ज़ है, ये वर्ड आपका है वर्ब, रन, रैन, रन, ईट, एट, ईटन, राइट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रन, रैन, रन, तो रन आपका यहाँ वर्ब है। ये वर्ब आई एन जी के साथ मिलके इसने बनाया एक एडजेक्टिव, किसके लिए, क्योंकि ये बिजनेस के से पहले आ रहा है। और एडजेक्टिव्स के बारे में याद रहे कि आमतौर पर ये नाउन्स के पहले आते हैं या नेम्स से पहले आते हैं, तो नेम से पहले आ रहे हो तो डेफिनेटली वो नेम की वजाहत करें। तो यानी कि बिजनेस है, एक बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बिजनेस कैसा बिजनेस, रनिंग बिजनेस, राइट, रनिंग बिजनेस। तो ये रनिंग यहाँ पर इसमें जो इसका बेसिकली एक वर्ब है रन, लेकिन इसका फंक्शन जो यहां पर आ रहा है वो एडजेक्टिव का आ रहा है। बेसिकली रन जो है एक वर्ब है, रन एक वर्ब है, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन जो है रनिंग होके बिजनेस के पीछे लग रहा है, तो बिजनेस को ये एज एन एडजेक्टिव बिजनेस के साथ ही आ रहा है। उसके बाद आ गया मिनरल, मिनरल एक नाउन है, आपको मिनरल्स, आपको पता है मिनरल, लेकिन मिनरल अगर वाटर के पीछे लग जाए तो ये वाटर का एडजेक्टिव हो गया, और ये क्योंकि बेसिकली ये इटसेल्फ एक नाउन है, लेकिन नाउन होते हुए ये काम क्या कर रहा है, फंक्शन इसका इस वक्त क्या है, एडजेक्टिव है, वाटर के लिए एडजेक्टिव का, मिनरल वाटर, वाटर के लिए ये एडजेक्टिव का नाम काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि नाउन से पहले अगर आने वाला आ रहा है तो वो उसका फंक्शन जो है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पर हाउस एक नाम है, हाउस एक नाउन है, वाटर एक नाउन है, वाटर इटसेल्फ भी एक नाउन है, वाटर यहां पर एज ए नाउन आ रहा है, यहां पर एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, यानी कि
टैंक के लिए, टैंक के पीछे अगर वाटर कर दिया तो टैंक की वजाहत हो रही है, टैंक कौन सा, वाटर वाला, पानी वाला। तो टैंक यहाँ वाटर, पहले यहाँ पर वाटर एक नाउन था, यही वाटर यहाँ पर आके इस टैंक के लिए एडजेक्टिव बन रहा है। हाउस, हाउस एक नाउन होता है, और अरेस्ट, अरेस्ट जो है हाउस अरेस्ट अगर मिला दें तो अरेस्ट इट्सेल्फ एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर उसका फंक्शन एक नाउन का है। लेकिन इसका हम फंक्शन इसके नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि अरेस्ट से पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन, ये एडजेक्टिव का काम। मिनरल, हाउस और वाटर बिल तरतीब, मिनरल वाटर के लिए, हाउस अरेस्ट के लिए, और वाटर टैंक के लिए एज ए जो फंक्शन उसका है वो एडजेक्टिव का है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं, हैं ये नाउन लेकिन फंक्शन ये अदा कर रही है एडजेक्टिव का। यहाँ पर बिग इट्सेल्फ आमतौर पर जो लिखने में एडजेक्टिव होता है, यानी कि ना बाय नेम भी ये एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव इट्सेल्फ वर्ड क्लॉक के लिए, यानी क्लॉक नाउन है तो क्लॉक के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, ये इट्सेल्फ कहलाता भी एडजेक्टिव है और इसका फंक्शन भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर ए एन द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स ए ए आप कह लें अ डस्टर, अ लाइट, अ पेन, अ टेबल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, द मंकी, द वट एवर। तो ये ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन, आर्टिकल भी आमतौर पर, आर्टिकल को पहले कुछ लोग समझते थे कि आर्टिकल एक सेपरेटली एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन क्योंकि ये इसका फंक्शन जो है किसी वर्ड के साथ लग के, किसी नाउन के साथ लग के, या किसी प्रोनाउन के साथ लग के उसका मानी वाजे करने, तो इसका फंक्शन जो है क्योंकि एडजेक्टिव है उस, तो इसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखें। उसके बाद ये लव ली, लव से निकला, लव इट्सेल्फ एक वर्ब नाउन है, लेकिन उसके साथ एल वाई लग गया, तो वो आमतौर पर एल वाई लग जाए तो हम इसे कहते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब यहाँ पर क्योंकि ये पीछे किसके आ रहा है, एक नाउन के आ रहा है, तो नाउन के पीछे आ रहा हो, नाउन से पहले आ रहा हो, तो उसका फंक्शन वंस अगेन उसका फंक्शन हो जाता है एडजेक्टिव का, इट्सेल्फ ये एडवर्ब है, एडवर्ब है और इसका फंक्शन जो है एडजेक्टिव है। आपने मिसालों से देखा कि एक वर्ब एक एडजेक्टिव, सॉरी, एक वर्ब एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक आर्टिकल, एक एडवर्ब, सारे मिलके मुख्तलिफ मौका मेल पर एज एन एडजेक्टिव काम कर सकते हैं। तो समझने का मेरा मकसद, जो कहने का मकसद था, आपको समझाना जो मकसद है वो ये है कि एडजेक्टिव या पार्ट ऑफ स्पीच ओवरऑल आप कह लें, वो इट इज, दे आर लेस द नेम ऑफ अ वर्ड रादर द फंक्शन ऑफ अ वर्ड। किसी एक वर्ड का फंक्शन, वो जिस जगह पर आ रहा है, जिस मौके पर आ रहा है, उस जगह पर वो फंक्शन कौन सा अदा कर रहा है, हम उसको उसके फंक्शन के हिसाब से जानेंगे, हम उसे बाय नेम नहीं जानेंगे। अगर हम कहें कि ये जी ए एन द एडजेक्टिव कहलाते हैं या आर्टिकल्स कहलाते हैं, राइट, या बिग को जी एडजेक्टिव कहते हैं या वाटर को नाउन कहते हैं, तो बाय नेम हम कहें तो वाटर नाउन है, लेकिन बाय फंक्शन यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, बाय नेम अगर इनको देखा जाए तो ये एक आर्टिकल्स हैं, बाय फंक्शन ये एडजेक्टिव्स हैं। बाय नेम देखें तो बाय नेम ये एक एडवर्ब है, लेकिन बाय फंक्शन यहाँ पर एडजेक्टिव है। बाय नेम देखें ये एक वर्ब है, लेकिन बाय फंक्शन एडजेक्टिव। बाय नेम नाउन्स हैं, लेकिन बाय फंक्शन एडजेक्टिव्स हैं। तो लेट मी रीफ्रेज के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये खसूसियात बताते हैं दूसरे नाउन्स की, दूसरे वर्ड्स की खसूसियात को बताते हैं, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, नीचा, ऊंचा, मीठा, कड़वा, नमकीन, राइट, और रंगीन, रेड, वाइट, ब्लू, येलो, ये चाहे कलर्स हों, चाहे टेम्परेचर्स हों, चाहे वैल्यूज़ हों, तो हम उन्हें आमतौर पर एडजेक्टिव्स में शुमार करते हैं। फाउंडेशन के इस कोर्स में आपको इसी हद तक काफ़ी है कि आप इनको समझें, आगे हम किसी एडवांस लेक्चर में जाएंगे, एडवांस कोर्स में अगर जाएंगे तो इनके अंदर जाके, इसके अंदर जाके इनके फंक्शनैलिटी को हम समझेंगे। फिलहाल आपको समझाना मकसद था कि एडजेक्टिव्स होते क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या काम करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दूसरे वर्ड्स के मानी को मजीद वाजे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप एडजेक्टिव्स की बात को समझ पाए होंगे। मैं अगली किसी वीडियो के साथ किसी और
पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।